MRP 320 है. डोंट बाय दिस. मैं पहले पता नहीं क्यों बहुत स्मार्ट बन. Why do I even try these things? I feel like I'm shooting after 10 days almost. Like एक हफ्ता तो मुझे उस हेयर स्टाइल को हो गया है. And I'm feeling so awkward. I don't know. बिल्कुल आदत छूट गई है ऐसे कैमरा के सामने बैठ के बात करने की. So हेलो माई सनफ्लावर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम टू अ वेरी रेयर वीडियो दैट हैपन्स ऑन दिस चैनल विच इज़ गोना बी अ मेकअप हॉल स्लैश रिव्यू. आई डू हैव सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स इज वेल. नाउ आई डोंट बाय अ लॉट ऑफ बल्क मेकअप एज सच बिकॉज आई डोंट यूज इट दैट मच एंड इसीलिए ये वीडियो इज गोना हैपन आफ्टर 4-5 months. लिटरली इस वीडियो में आई हैव स्टफ February, like Feb से मैंने जितना भी कुछ ऑर्डर किया आई एम गोना बी रिव्यूइंग इट हियर. ऑल्सो नायका इज हैविंग द इंडिपेंडेंस डे सेल. तो या इफ यू लाइक समथिंग फ्रॉम हियर यू कैन ऑर्डर इट. आई एम गोना लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट बिफोर दैट आई नीड टू मेंशन टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ गिव अवे लाइव ऑन माई इंस्टाग्राम. सो या चेक आउट माई प्रोफाइल, गो फॉलो द रूल्स, पार्टिसिपेट. सेकेंड थिंग, आई नीड योर हेल्प. आई एम प्लानिंग टू डू द फैशन क्विकीज थिंग. इफ यू सीन द वीडियो वेर आई टेक फैशन क्वेरीज फ्रॉम यू गाइज एंड आई गिव माई ओन स्टाइलिंग एडवाइस. सो आपके पास कोई भी अगर स्टाइलिंग क्वेश्चन हैं लीव इन बिलो बिकॉज आई प्लान ऑन डूइंग दिस वीडियो दिस वीकेंड. सो या नाउ लेट्स स्टार्ट. तो मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है. आई थिंक आई हैव अराउंड 17 आइटम्स. सो द फर्स्ट थिंग इज दिस लॉरियल एलनेट सैटिन हेयर स्प्रे दैट आई गॉट इन फेब एंड ये तब से चल रहा है. आई ओनली यूज इट जब मैंने कर्ल्स किए होते थे. लाइक अब तो नहीं होते हैं इस बालों में बट आई यूज टू यूज इट व्हेन आई यूज टू कर्ल माई हेयर ताकि वो थोड़ी देर तक टिके. एंड आई ऑल्सो यूज इट व्हेन आई स्ट्रेटन माई हेयर एंड आई हैव टू गो आउट. इस बाहर बहुत गर्मी होती है एंड मुझे मेरे बाल एकदम फ्रिजी हो जाते हैं तो आई यूज टू यूज इट. नाउ दिस इज इन दैट हार्ड हेयर स्प्रे जो हमारे स्कूल में यू नो डांस परफॉर्मेंसेज के टाइम पर यूज होता था. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मीडियम लेवल वाला हेयर स्प्रे. इट डज द जॉब वेल. अगर आपके बेबी हेयर्स ऊपर दिखते रहते हैं यू हैव एन इशू विद दैट यू कैन यूज दिस हेयर स्प्रे. लाइक ब्रश के ऊपर लगा के यू कैन ब्रश इट ऑफ. एंड या मैं तो कभी कभी हाथ में भी लगा के ऐसे कर लेती हूँ. आई थिंक एक और हेयर प्रोडक्ट है वो भी मैंशन कर देती हूँ. तो दिस इज द इंस्टेंट हेयर रिफ्रेश ड्राई शैम्पू फ्रॉम बटीस. आई थिंक दिस ब्रांड इज वेल नोन फॉर देयर ड्राई शैम्पूज एंड दिस हैज बीन अ लाइफ सेवियर बिकॉज गर्मी में ना शूट करते करते बाल बहुत ग्रीसी हो जाते हैं. प्लस आई वर्कआउट एवरी ऑल्टरनेट डे. थोड़ा मैं रेगुलर हो रही हूँ वर्कआउट्स को लेके सो बाल बहुत ग्रीसी हो जाते हैं. एंड दिस वन डज अ वेरी गुड जॉब इन नॉट जस्ट अब्जॉर्बिंग द ऑयल बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग वॉल्यूम. नेक्स्ट वी हैव लाइक 3-4 आइटम्स फ्रॉम निक्स. आई थिंक मैंने उनकी फेब की सेल में काफ़ी कुछ ऑर्डर कर दिया था. सो द फर्स्ट वन हैज़ टू बी निक्स का डूई फिनिश स्वेटिंग स्प्रे. आई थिंक आई मेंशनड इट बहुत बार की आई यूज द स्प्रे. दिस इज माई होली ग्रेल. आई लव इट बट ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. तो आई वॉन्टेड टू मैंशन इट वंस अगेन. आई एम ट्राइंग आउट न्यू डूई फिनिश वाले सेटिंग स्प्रेज फ्रॉम अदर ब्रांड्स बट दिस वन हैज माई हार्ट. इफ आई डोंट लाइक एनीथिंग एल्स इन अ मंथ और सो आई नो मैं ये दोबारा ऑर्डर कर रही होंगी बिकॉज इट गिव्स दैट परफेक्ट डूई फिनिश. ऐसा नहीं है कि ये बहुत डूई कर देता है. इट सॉर्ट ऑफ फील्स मैट वाइल गिविंग अ वेरी डूई फिनिश विच इज something that I'm really getting addicted to. मुझे इसके अलावा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा. टुडे आई हैव यूज्ड समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ न्यू ब्रांड. वो मैं कभी और रिव्यू करूँगी बट या आई लव दिस. नेक्स्ट वी हैव निक्स प्रोफेशनल मेकअप माइक्रो ब्राउ पेंसिल. नाउ ये मुझे मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किया था वान्या. शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट. आई हैव डन अ वीडियो विद हर. आई ऑलरेडी हैव लाइक वेल शेप्ड आईज आईब्राउज बट देर आर लाइक फ्यू स्पॉट्स. लाइक एक हल्की सी पेंसिल ड्रॉ कर लूँगी इट लुक्स वेरी वेल मेंटेन्ड. सो शी सजेस्टेड मी दिस. आई थिंक शी यूज दिस ऑन मी वेन शी वॉज डूइंग माई मेकअप इज वेल एंड आई लव इट. आई थिंक ये मुझे पूरे साल चल जाएगी बिकॉज आई डोंट नीड इट अ लॉट. बस मैं आगे से हल्का सा सेट करती हूँ एंड हल्का सा लाइक एजेस. द डार्क ब्राउन कलर सूट्स माई स्किन टोन माई आईब्राउज. इट गोज वेल वेरी ईजली. बहुत ही नेचुरल सा लगता है एंड सिंस इट्स अ वेरी डेलिकेट सा पतला सा पेंसिल द स्ट्रोक्स लुक वेरी नेचुरल. सो इवन इफ यू हैव लाइक वेरी लाइट आईब्राउज आई फील लाइक दिस प्रोडक्ट विल रियली सूट यू. मैं अपनी फ्रेंड के ऊपर ही ट्राई करना चाहती हूँ बट शी वुडंट लेट मी डू इट. बट ठीक है, I'll do it one day. I think मैंने NYX की काफ़ी तारीफ कर दी है. So let's talk about a miss from that brand. So I ordered their butter gloss. I think इसमें कोई भी clear shade नहीं था तो I went ahead with this baby pink thing because I thought चल जाएगा. This is the worst gloss ever. It's so sticky. मतलब I don't know and it's not as glossy as well.
आई रियली डिडंट लाइक इट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. आई थिंक मैंने इसको सिर्फ एक दो बार ट्राई किया एंड उसके बाद आई स्टॉप यूजिंग इट एज वेल. इट्स जस्ट वे टू स्टिकी एंड डेफिनेटली नॉट वर्थ योर मनी. इससे अच्छा जो मैंने नया ढूंढा है उसके बारे में बात करेंगे. कितना शोर हो रहा है आज. मैं पिछले 4 घंटे से इस वीडियो को शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ ना कुछ हुआ जा रहा है. फाइनली इस बार की हॉट पिंक सेल में मुझे एक अच्छा ग्लॉस मिल गया दैट आई एम लविंग. उसके बारे में आगे बात करेंगे. ये अभी मेरे फेब मार्च के ऑर्डर्स है. नाउ नेक्स्ट इज समथिंग फ्रॉम स्किन केयर. आई गॉट दिस बॉडी शॉप का टी ट्री एंटी इम्परफेक्शन डेली सीरम. नाउ ये मैंने आई थिंक मे में ऑर्डर किया था एंड ट्रस्ट मी बिकॉज आई ट्राई सो मेनी प्रोडक्ट्स बिकॉज आई वर्क विद सो मेनी ब्रांड्स आई हैवंट हैड द चांस टू यूज इट इवन वंस. द थिंग इज मेरे एक्टिव जिट्स उस टाइम पे बंद हो गए थे एंड आई जस्ट हैड अ फ्यू स्कार्स जो सबसाइड हो रहे थे, जो मतलब फेड हो रहे थे. बट आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू. आई ऑर्डर्ड इट एंड उसके बाद से मैं यूज नहीं कर पाई हूँ. आई डोंट इवन हैव द बॉटल ऑफ इट बिकॉज मैंने उसको पता नहीं कहाँ रख दिया है. Now I really have to think it through कि मैं कुछ स्किन केयर का मंगवा रही हूँ. आई विल आई एक्चुअली हैव द टाइम टू ट्राई अ प्रोडक्ट फॉर अ लाइक अ गुड 2-3 weeks. सो या मैंने वो बॉटल भी खोली एंड इट वॉज एक्सपेंसिव. आई थिंक इट वॉज 1700 rupees या 1800 rupees. आई गॉट इट फॉर 1500 rupees. नाउ वन थिंग अबाउट मी इज आई डोंट लाइक टू स्पेंड अ लॉट इन मेकअप. लाइक यू विल नॉट सी मी बाइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव मेकअप. बट वेन इट कम्स टू स्किन केयर आई ऑलवेज like to splurge there because I feel like if your skin is doing well, it's okay if you use a affordable range makeup. ऐसा कुछ भी नहीं कि high end makeup products is better for your skin. ऐसा कुछ भी नहीं है. Maybelline and all are very good for your skin. They do not harm your skin at all. Not just now. I think 2 साल पहले भी I used to use Innisfree का green tea serum. That was really good. It used to keep my skin well hydrated. I loved that serum. In case you're looking for a serum, you can try that. Baki, I don't have a review for this because I haven't used it at all. Agar mujhe bottle mil gayi, I'll try to show you puri quantity waise ki waisi hai. If anybody here has used it, maybe you can share your review about this in the comment section. I'll try to pin it. Next, I have a very, very hyped product from L'Oreal, which is their Lash Paradise Voluminous Mascara. Oh my god, I love it. I love it. I love it. It does a very good job. I mean, iski wand is so... kya kehte hain? Weird. It's very good. It's like thoda sa curved hair and it has a lot of hair particle things. So it does a very good job in separating your lashes and also making it really voluminous. It will not give you length. I would say ki aap apne pehle lashes curl karke, like press. To get the best look, I would say ki pehle curl kar lo lashes taki ekdum straight ho jaye and then use this mascara. I'm telling you, it's great. I love it. I think this is pretty costly for mere liye. Like main itna spend nahi karna chahti mascaras pe. It's for 700 something, but I was waiting ki ye discount mein mujhe kabhi mil jayega and I got it for like 559. I think I'll keep restocking on this. It's really good. Next we have something from Nykaa. Now I wanted to try a liquid highlighter. But so this hot pink sale pe I had my eyes on the mask. Maybelline ka Masterstroke. It was sold out. Wet n Wild ka bhi ek tha. It was also sold out. So thak haar ke, I don't know why I just wanted to buy it usi time pe. I went ahead with Nykaa Strobe and Glow. It's actually not bad, I would say. It's just thing is it wouldn't give you that blinding highlighter effect jiska main used to. Like I really like my highlighter to be very much in your face around my nose and yahan pe. And isliye I look like a glowing ball in my videos because light seedhe reflect hoti hai us highlighter se. It's not glow, it's just sweat and my highlighter. Now this one isn't like your usual powder highlighters. So this doesn't give you a bahut hi blinding sa look. It gives you a sheen on your face, which is something that I don't really like or want, especially when I'm shooting videos. So ye mujhe utna useful nahi laga. But I think if you want a very natural glow on your face or natural sheen on your cheeks, that wouldn't look very chunky. So uske liye this is really good. But this is a very golden-y sa highlighter. So I feel if you are somebody very fair, go for the rose gold variant. This would suit medium to darker skin tones. Bahut pyara sa sheen aata hai. I have to say this, but it's just I won't be using it as much in my shoots. I feel like main isko moisturizer ke saath mix karke na body glitter ki tarah use karne wali hu and it is a huge bottle. I feel main body pe use karti hu warna ye khatam nahi hoga. Next we have another very hyped product. I think maine kafi hyped products bhi liye. I think main iski video ka naam hyped trying out or reviewing the hyped products rakhne wali hu. So next we have K Beauty matte
HD setting loose powder. Now this is their banana powder, so इसमें कोई शेड वेड नहीं था. ना ये मैंने बहुत इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स एंड बहुत यूट्यूबर्स को भी बोलते हुए देखा था दैट दिस इज रियली गुड एंड दिस इज माई फर्स्ट एवर के ब्यूटी प्रोडक्ट. आई हैव बीन यूजिंग द मेबलिन लूज पाउडर सिंस एजेस नाउ. आई थॉट इट्स टाइम कि मैं कुछ तो एक्सपेरिमेंट करूँ एंड आई हैड लाइक एंड इस पर कुछ डिस्काउंट भी था तो आई गॉट इट फॉर लाइक 599 रुपीज. नाउ दिस इज वेरी फाइन. आई एम इम्प्रेस्ड विद द texture and how well it absorbs all the oil. It does mattify my face and it keeps it matte for a really long time. But I would still like thoda sa I'm biased towards Maybelline because it has a little bit of pigmentation. Like it does give me some coverage to some extent. The Maybelline one actually provides a little bit of coverage. That's why I want to go ahead with that one and not this banana powder. I think this is great for highlighting and stuff. This is a great powder. It's just I've used the Maybelline one and I think I like it more because usme coverage bhi hai. But this one would be great if you want to like bake and all. Uske liye acha. Oh, next we have something from skincare. So ye product maine Pune mein try kiya tha. This is the Laneige sleeping mask. Water sleeping mask, yes, I bought the whole tub. The thing is, I've been trying a lot of new night creams. मैं हर महीने बताती रहती हूँ अपने favorite studio में. And this is something that I tried. इसका मैंने sample size try किया था पुणे में along with my Innisfree serum and it worked really well. But उसके बाद I think Plum sent me a PR and उसके बाद I started using that range. And I never got a chance to buy this again. But इस बार I thought let's give this a try again. And yeah. This has been working really well on my skin. I've used a lot of night gels from Plum, Lakme and aur bhi koi tha. Neutrogena as well. But this one is really different. Matlab you literally feel and you literally wake up with a much more hydrated and supple skin. I know expensive hair, but I don't know. If you have the budget, go ahead. आज इतना क्यों शोर हो रहा है पता नहीं क्या हो गया. आई एम नॉट सेइंग कि प्लम का रिन्यूअल जेल एंड न्यूट्रिजिना हाइड्रेटिंग जेल एंड वो सब बुरे हैं. इट्स जस्ट दिस इज स्लाइटली बेटर बट देन दिस इज वे मोर एक्सपेंसिव एज वेल. सो इफ यू हैव द बजट गो अहेड विद दिस. आई लाइक इट. आई फील लाइक ऑगस्ट फेवरेट में दिस वुड बी मेंशनड. नेक्स्ट आई गॉट अ ब्रॉन्जर फॉर माई सेल्फ. आई कांट बिलीव आई हैव अ ब्रॉन्जर बिकॉज कॉन्टोरिंग वगैरह से मेरा कोई नाता नहीं था. बट नायका की हॉट पिंक सेल में दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट हॉट डील्स दैट वॉज गेटिंग प्रमोटेड. सो इट्स द बाम्स बहामा मामा ब्रॉन्जर. आई थिंक ये ट्रैवलर साइज पैक वॉज अवेलेबल फॉर लाइक 40% ऑफ. आई गॉट इट फॉर लाइक जस्ट 500. सो इट वॉज अ ग्रेट डील. बट आई डोंट नो वॉट वॉज रॉन्ग विद नायका. मैंने जिस रात ये देखा था उस दिन इस पर डिस्काउंट था. बट आई थिंक मैं दो रात के 2-3 बजे इसको देख के सोई थी एंड इन द मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप आई सॉ इस पे कोई डिस्काउंट नहीं था. आई वाज लाइक व्हाट द हेल नायका. मतलब ऐसे कौन चेंज करता है. एंड दिस इज वन ऑफ द डील्स दैट वाज गेटिंग प्रमोटेड अगेन एंड अगेन. सो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया नहीं था. दिस आई ऑर्डर्ड ऑन द 3rd डे ऑफ द सेल बिकॉज अगेन इस पर डिस्काउंट आ गया था. सो या आई हैड टू आई प्लेस 2 ऑर्डर्स फ्रॉम नायका का हॉट पिंक सेल. तो मैंने बस ये शॉप में ऑर्डर कर दिया कि लेट्स जस्ट ट्राई अ ब्राउन्जर बिकॉज मैं ब्राउन आई शेडोज से अपना नोज कॉन्टोर करने लग गई थी. तो आई थॉट लेट्स जस्ट बाय समथिंग नाइस. आई डोंट रियली लाइक आई सेड मैं बहुत लाइक हाई एंड ब्रांड्स में हूँ नहीं इंटरेस्टेड व्हेन इट कम्स टू मेकअप. बट दिस वॉज अवेलेबल फॉर अ वेरी चीप प्राइस. व्हेन आई सॉ द पैन आई डिड फील कि ये मेरी फेस पे बहुत वियर्ड एंड बहुत स्टार्क लगेगा. इट कुड बी अ लिटिल मोर डार्क For my skin tone, but it does look very natural. मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है. It blends very beautifully as well. I thought कि थोड़ा ना undertones का दिक्कत होगा, but ऐसा कुछ भी नहीं है. And as you can see it in the video, I usually use it only to contour my nose. That is it. बाकी I don't use it around my cheeks and all. I feel like my face doesn't need that much bronzing. So yeah, 500 के लिए I got something luxurious. That I'll have for eternity because ये मैं खत्म तो करनी पाऊंगी. Now if you've been following me since last year, so you would remember कि मेरा और fake eyelashes का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है. I think last Diwali I tried applying lashes and it was a disaster. मैंने इस बार भी वो try किया. It was again a disaster. But पता नहीं मुझे कौन. My God, आज plane भी निकल रहा है यहाँ से. क्या हो रहा है? I don't know why I thought कि मैं इस बार मतलब almost 9 months बाद lashes लगा पाऊंगी and I ordered
टू ऑफ देम आई थिंक बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स थे तो मैं बह गई. नंबर वन इज फ्रॉम पैक. इट्स मैंने स्पेसिफिकली ऐसे लैशेज ढूंढने की कोशिश की थी जो थोड़े वॉल्यूमिनस लगे बट बहुत क्रेजी वॉल्यूमिनस ना लगे. आई हैवंट इवन ओपनड इट. इसके रिव्यू के लिए यू विल हैव टू वेट. बट आई डिड ट्राई यूजिंग द नायका वंस. दीज आर द ओजी नेचुरल वॉल्यूम वंस. इट कम्स विद द ग्लू जो मैंने खोला नहीं. इट आई ऑलरेडी हैड द ग्लू दैट आई बॉट लास्ट ईयर. तो आई थॉट वही यूज करते हैं एंड इट फेल्ड मिजरेबली. मेरा ग्लू एकदम से यू नो आई डोंट नो व्हाई बह गया एंड इट स्प्रेड ऑल ओवर द लैशेस. तो वो बहुत चिप चिप कर रहा था. ओके पूरा गिर गया यार. फक आई थिंक आज भी फेल होने वाला है. व्हाई डू आई इवन ट्राई दीस थिंग्स. बाकी लैश पे लग गया ग्लू. अब मैं क्या करूँ. मेरे हाथ पे स्टिक हो गया है. या ये लग नहीं रहा. ये मेरे हाथ पे लग जा रहा है बार बार. फक द थिंग इज वो लैशेस पे ग्लू लग गया है ना. आई हैव टू क्लीन देम यार. फक व्हाट डू आई डू. Maybe someday I'll use it for a reel and update you guys. So yeah, I honestly feel I shouldn't be allowed to review lashes and I should be banned from buying these as well. But I have to say I really like the L'Oreal ka Lash Paradise isliye because aaj meri lashes, if you see them, they look very, you know, voluminous and fanned out. They look good. इतनी अच्छी वो यूजली किसी मस्कारा से नहीं लगती हैं. So L'Oreal one is good. Next is the Nykaa ka very hyped हेयर रैप टाल. आई हैव लॉस्ट इट. जब से मेरे बाल मैंने कटवाए उसके बाद से मैंने उसको यूज़ नहीं किया. बट आई ट्राई टू इंक्लूड स्क्रम वीडियोज फ्रॉम अ व्लॉग. नाउ दिस वन इज एक्चुअली जेन्युइनली गुड. वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफाइबर टाल्स फॉर योर हेयर. दिस इज डेफिनेटली वर्थ योर मनी. मैंने एक अमेजोन से 300-400 की ली थी. वो बहुत ही इट डिडंट इवन फील लाइक वो माइक्रोफाइबर है. दिस वन इज रियली गुड एंड इट वर्क्ड वेल फॉर माई लॉन्ग हेयर एज वेल जो इतने थे कटवाने से पहले. अभी तो मेरे बाल आगे से निकल जाते हैं. मैंने यूज इट तो मैंने उसको खो दिया है कहीं. मेरी चीज़ें ऐसी खोती रहती हैं. घर भी इतना पैक्ड है ना डब्बों में कि आई डोंट नो चीज़ें कहाँ हैं. नाउ द नेक्स्ट आइटम इज समथिंग आई डोंट थिंक सो एनीबडी वुड बी एक्सपेक्टिंग टू सी इन दिस हॉल. बट आई बॉट अ बेली चेन फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड फेमनस. आई डोंट नो दे हैड अ लॉट ऑफ बेली चेन्स और आई डिडंट इवन नो कि नायका भी मुझे ये सब मिल जाएगा. I don't know if you guys know, but I have learned belly dancing like a beginner course kiya tha. So I started practicing again. 2-3 mahine ka beech mein break ho gaya tha, but I want to get back to it. So yeah, isliye maine belly chain order kar liya tha. Coin wali belly chains mujhe bahut pasand nahi hai. That is why I went ahead with something like more subtle. Now next, I bought this eyeliner brush because I really wanted to start using shadows as a liner. मैं पहले पता नहीं क्यों बहुत स्मार्ट बनती थी. आई वुड ट्राई टू डू इट विद माई एंगल्ड ब्रश एंड समहाउ इट वुडन गिव मी द प्रिसाइज लाइनर लुक. बट जब से मैंने ये ट्राई करना शुरू किया आई लव मेकिंग विंग्स. कल मैंने एक रील के लिए बहुत ही प्यारा सटल सा ब्राउन शेडो से लाइनर किया था. इट लुक्ड सो ब्यूटिफुल. आई थिंक दिस ब्रश इज लाइक अ मस्ट हैव एंड मेरे पास आज तक नहीं था. इफ यू आर समबडी लाइक मी बाय इट. यू नीड इट. आई थिंक ब्रशेस का रिव्यू तो मुझे बहुत अच्छे से करना चाहिए बिकॉज कफ्स एंड लैशेज हैज गिवन मी लाइक निधि हैज सेंट मी अ ह्यूज पीआर फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज. एंड एक और ब्रांड से मैंने 3-4 चीज़ें ली हैं. सो यू विल सी अनदर रिव्यू वेरी सून. मे बी इन ऑगस्ट लाइक टूवर्ड्स द एंड लाइक वी कैन डू अ Q&A प्लस रिव्यू सॉर्ट ऑफ अ वीडियो. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट. सो या स्टे ट्यून्ड. लाइक दिस इज वन ऑफ द ब्रशेज दैट निधि सेंट मी. दिस इज देयर डीप एंगल फ्लैट फाउंडेशन ब्रश. Love it. This is my first ever aisa angled foundation brush and it does a very good job in, you know, spreading the foundation and also giving me a good finish all over. This and I'm actually very excited to use Cuffs and Lashes ke makeup brushes. I think mujhe unke Shy Styles ke saath jo collaboration tha uske bhi brushes mile hain. I have a lot of eyeshadows from her. So yeah, review very soon and sab horn baja ke jayenge usse. Also Plum ki bhi jo anniversary sale thi, I ordered 2-3 things from them. So first one is their, so the first thing is their body mist. It's this Oopsie Daisy mist. Now this smells good. It's like a very, not very florally, but it has a slight florally sa smell. It smells good but it doesn't stay for long. Meri aadhi dikkat body mist ke sath yehi hai. This one doesn't stay for long. लाइक लिटरली मुझे एक घंटे बाद कोई स्मेल नहीं आती है. सो इट्स अ फेल. वुडन सजेस्ट इट. डोंट बाय दिस.
एंड अनदर हाइप्ड प्रोडक्ट फ्रॉम प्लम जो मैं खुद ट्राई करना चाह रही थी पिछले साल से इज देयर ई इल्यूमिनेंस क्लेंजिंग बाम. नाउ आई हैव नेवर ट्राइड अ क्लेंजिंग बाम सो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस. नाउ आई हैव यूज्ड इट अ लॉट लाइक इफ यू कैन सी मैंने आई हिट द पैन आधे से ज्यादा खत्म कर चुकी हूँ एंड दिस हैपेंड इन जस्ट वन मंथ. नाउ दिस वन रिटेल्स फॉर 500 समथिंग एंड इट्स अ ग्रेट वन. लाइक बटरी स्मूथ लगता है ये आपकी स्किन पे. यू कैन मसाज इट वेल. लिटरली योर वाटर प्रूफ मस्कारा से लेकर लाइनर्स फाउंडेशन एवरीथिंग विल कम ऑफ लाइक दिस. बट द थिंग इज आई डू हैव समथिंग बेटर देन दिस. लाइक आई हैव यूज्ड इट. इससे डबल कॉस्ट है उसका बट आई फील लाइक दैट लास्टेड मी फॉर ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स. ये एक महीने में आधा खत्म कर दिया है मैंने. तो आई थिंक कॉस्ट इफेक्टिव भी है वो. आई एम टॉकिंग अबाउट फेस शॉप्स राइस वाटर ब्राइट क्लेंजिंग ऑयल. आई गॉट इट इन द पीआर लास्ट ईयर एंड मैंने ऐसे रैंडमली स्टार्ट कर लिया था यूज करना एंड आई लव्ड यूजिंग इट. आई फील उसके दो पम्प्स वुड बी इनफ टू गेट ऑल माई मेकअप आउट एंड इट एक्चुअली लास्टेड मी फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ क्लेंजिंग ऑयल स्लैश बाम this is very very good. it's just cost wise मुझे वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा. so ये ख़त्म होने के बाद I know मैं वो order करने वाली हूँ. मैं actually उसी को order करना चाहती थी but it was sold out on Nykaa. so Plum की sale से मैंने ये order कर दिया. not saying this is bad. दोनों बहुत अच्छे हैं. it's just वो थोड़ा ज़्यादा मुझे cost effective लगा. that's all that I had to mention. and the last thing is the gloss that I was talking about in the beginning. yes मैंने इसको end के लिए बचा के रखा है because why not. आई थिंक मैंने कल ही एक स्टोरी डाली थी दैट आई थिंक आई फाउंड माई फेवरेट द ग्लॉस दैट आई वॉज लुकिंग फॉर एंड समबडी सेड कि आई थिंक इट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी. इट्स नॉट, इट्स फ्रॉम एल्फ. मुझे रैंडमली लाइक जो सेकेंड ऑर्डर मैंने प्लेस किया था हॉट पिंक सेल से उससे पहले मिल गया था एंड आई वॉज लाइक सही है. आई गॉट फॉर जस्ट 300 रुपीज. आई एम नॉट श्योर ऑफ द MRP बट ये सिर्फ 300 रुपीज का था. MRP 320 है. तो ठीक है, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला. बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड ग्लॉस. इट स्टेज ऑन योर लिप्स फॉर अ गुड 2-3 आवर्स एज वेल. मैंने मास्क लगा लिया था जब मैंने ट्राई किया था. मतलब उसके बाद मुझे बाहर जाना था तो मुझे मास्क के ऊपर लगाना पड़ा. बट मास्क हटाने के बाद भी इट डिड गिव मी द ग्लॉस इफेक्ट. नाउ दिस ग्लॉस डजंट हैव दैट वेरी यू नो स्पार्कली से पार्टिकल्स भी. बहुत ही क्लियर ग्लॉस है. दैट्स इट. इट्स जस्ट क्लियर ग्लॉस एंड इट गिव्स अ वेरी गुड लुक जस्ट फॉर 300 रुपीज एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्लॉस लुक नो फर्दर. दिस इज देयर. एंड या विद दिस वी फाइनली कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई डोंट नो मैंने कितने घंटों में इसको शूट किया है. लेट मी नो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो. गिव इट अ थम्स अप. लीव अ कमेंट डाउन बिलो एंड या आई विल सी नेक्स्ट टाइम. बाय.